फॉर लास्ट अबाउट चार पाँच साल से मैं इस डोमेन में पढ़ रहा हूँ और मेरे को लगता नहीं कि मैं अभी कहीं किसी स्टेट पर पहुंचाऊँ कि मैं अपने आप को या कोई मेरे को एक्सपर्ट बोले अभी मेरे को ज्यादा नहीं है दो तीन परसेंट ज्ञान इसके बारे में है तो वो मैं आज आपको uh, कोशिश करूंगा इन मोस्ट सिंपल टर्म्स टू एक्सप्लेन वॉट एग्जैक्टली ब्लॉक चेन है एंड वॉट एग्जैक्टली अबाउट क्रिप्टो करेंसी द मकैनिक्स हाउ डू दे वर्क एक्चुअली and in this limited one hour time i will try to keep it very simple and at the end of it i'll share few links so joe students is interested hain, uh, to go ahead to move ahead in this domain and which is a very uh, bright domain i must say uh, so they are most welcome to follow up those links and uh, uh, make a career out of it so in the कोर्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज नहीं करूँगा बिकॉज क्रिप्टोकरेंसीज का नाम आता ही वी जनरली मूव अराउंड की वेदर वी शुड इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट तो आई एम नॉट एग्जैक्टली स्पीकिंग एनी थिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट पार्ट इट विल बी ऑलमोस्ट एवरी थिंग विल भी रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी पार्ट या फिर थोड़ी बहुत मैं हिस्ट्री बताऊँगा इसके बारे में वॉट एग्जैक्टली इज बिटकॉइन ये अचानक आया था या ये पहले भी था हमारे बीच में एंड देन पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपके ऊपर टेक्नोलॉजी की बारिश करूँ बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल टर्म्स आपको दे के छोड़ दूँ कि भई uh, ये तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है लेकिन कुछ समझ नहीं आई पर्पज़ ये है कि सिंपल वर्ड्स में हाउ एक्जैक्टली exactly आपको वो चीज़ समझ आ पाए कि ये ब्लॉक चेन है क्या एंड अगर ब्लॉक चेन बात हो रही है तो क्रिप्टो करेंसी का हम नाम क्यों ले रहे हैं एंड वॉट एग्जैक्टली इज दी पर्पज़ सो पर्पज़ इज

अकेडमिशियंस इस डोमेन में जब भी हम प्लान करते हैं तो वी जेन ए लुक फॉर ए स्टार्ट कि मैं क्या चीज़ स्टार्ट करूँ मैं लिंक्स पढ़ूँ मैं यूट्यूब पढ़ूँ या मैं बुक्स पढ़ूँ सो मैंने एक सीकुंस बनाई है विच एल बी शेयरिंग एट एट दी एंड ऑफ द प्रजेंटेशन सो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रजेंटेशन जस्ट स्क्रिबल आपको अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता है आप उसको नोट डाउन कीजिए एंड ऐट दी एंड ऑफ द प्रजेंटेशन आप मेरे से वो पूछ सकते हैं इन द्वेश्चन आंसर सेशन कुछ लिंक्स वगैरह आई एल बी शेयरिंग दैट यू कैन सब्सक्राइब फॉलो रीड सो दैट यू डवेल मोर क्लैरिटी ऑन दैट एंड बी फोकस्ड जस्ट आप इसको सिर्फ सुनना है आपको कोई दिमाग नहीं लगाना यू हैव टू जस्ट लिसन टू द माई टॉक एंड द प्रजेंटेशन एंड द स्लाइड्स सो क्वेश्चन अगर हैं आपके कुछ जो आपके दिमाग में आते रहते हैं तो यू कैन जस्ट कीप देम पोस्टिंग इन द चैट विंडो सो so, कुछ स्लाइड्स ऐसे होंगे जो मैं बहुत जल्दी जल्दी निकालूंगा एंड दे एल बी फ्यू स्लाइड्स ऑन विच आई एल बी डेलीबरेटिंग अपॉन सो जस्ट डोंट वरी ये स्लाइड्स मैं डॉक्टर uh, नीरज के संग शेयर कर दूंगा सो दैट ही केन शेयर विद यू एंड यू कैन बेनिफिट इफ एट ऑल यू गेट इंटरेस्टेड इन दिस डोमेन सो लेट्स बिगिन विद द लिटल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री बहुत जरूरी है बिकॉज बिटकॉइन अचानक फॉर लास्ट अबाउट सेवन एट ईयर्स हमारे न्यूज uh, में हमारे रिसर्च uh, पेपर्स में दिस हैज़ बीन बजिंग अराउंड सो वॉट एक्जैक्टली इज द लिटल हिस्ट्री ऑफ इट सो बिटकॉइन एंड याप सो दिस इज मैप दैट यू सी हेयर एंड ऑन द राइट कॉर्नर हेयर पलाऊ एंड ऐप ये दो आईलैंड हैं एंड आई एम टेकिंग यू बैक हज़ार साल पहले अबाउट नाइन हंड्रेड बी सी नाइन हंड्रेड ए डी में दिस वॉज अबाउट पलाओ एंड यैप आइलैंड जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं एंड इन दोनों आइलैंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ अबाउट 450 हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर्स एंड वाई एक्जैक्टली आई एम आई टॉकिंग अबाउट दीज आइलैंड्स ब्लॉक चेन के में, बारे में आपको टॉक दे रहा हूँ एंड देन आई एम स्पीकिंग अबाउट ऑल दीज आईलैंड अन नोन आइलैंड सो दैट यूल बी सींग नाउ सो दिक्यूलर थिंग अबाउट दीज आइलैंड इज दैट ये जो आइलैंड हैं इसमें याप आईलैंड में कुछ लोग रहते थे आज भी रहते हैं एंड ये जो लोग रहते थे उस समय नाइन हंड्रेड बी नाइन हंड्रेड ए में एंड आज भी जो रहते हैं दे हैव ऑफ कोर्स दी नॉर्मल करेंसी तो है ही इनकी जो भी यू एस डॉलर्स वगैरह वो अपना यूज़ करते हैं अदरवाइज़ फॉर लास्ट अबाउट थाउजेंड ई ईयर्स एंड स्टिल एट एज ऑन डेट ऑल्सो ये जो हैं दे यूज कॉइंस एंड इनके जो कॉइंस होते हैं ये ऐसे नॉर्मल कॉइंस नहीं होते हैं ये इनके कॉइंस जो होते हैं वो पत्थर के होते हैं जैसे आपको स्लाइड्स में दिख रहे हैं दीज आर दी शेप्स ऑफ कॉइन्स इनके जो कॉइन्स के साइज होते हैं बेसिकली थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मतलब छोटा था एंड अप टू अबाउट फोर मीटर्स ये इनके साइजेज होते हैं कॉइन्स के होते थे और आज भी हैं सरप्राइजिंगली थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दूंगा थोड़े एक का वीडियो दिखाऊंगा सो दैट यू गेट ए ग्रेस्थ एंड देन ये जो पत्थर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ देन आई विल ट्राई टू कोरिलेट एग्जैक्टली ऑफ वॉट गोज़ बिहाइंड ये जो मैं पत्थरों के बारे में बात कर रहा हूँ उसका बिटकॉइन से क्या कनेक्टेड कनेक्शन है या उसका ब्लॉकचेन से क्या कनेक्शन है सो so ये फोटोग्राफ्स लेटेस्ट हैं वो तीन चार साल पहले की हैं जिसमें ये गाँव के जो विलेजेस हैं दे आर स्टिल यूजिंग दिस करेंसी एंड ये दोनों उठा के ले जा रहे हैं लोग ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो लिंक मैंने आपको दे रखा है एंड इसके लिंक्स में शेयर भी कर दूंगा दीज आर लाइव फोटोग्राफ्स फ्रॉम दी आइलैंड ट इन दुडे जो ये आज के फोटोग्राफ्स हैं जो ये पत्थर उस जमाने में यूज होते थे ये आज भी वहाँ पे रखे हुए हैं एंड इसका जो कनेक्शन है वॉट एग्जैक्टली कि ये ट्रांजेक्शन कैसे करते थे ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में इन द कोर्स ऑफ प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा तो इन पत्थरों का नाम जो था वो था राय कॉइंस राय कॉइंस आर इंटरेस्टिंग बिकॉज दे ऑलमोस्ट एग्जैक्टली प्री फिगर्ड दे ब्लॉक चेन इन अ क्रिप्टो करेंसी वर्क तो जैसे ब्लॉकचेन काम करती है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स काम करते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक्जैक्टली exactly सेम तरीके से राय कॉइन्स काम करते थे उस जमाने में सो लेट्स वॉट ए स्मॉल वीडियो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ सो दिस इज अ विलेज जहाँ पे कुछ लोग हैं इनके बीच में एक पत्थर बैठा हुआ है एंड ये राय स्टोन यूज करते हैं राय स्टोन दे आर अप टू अबाउट 200 किलो 300 किलो 400 किलो तक के होते हैं दो मीटर से चार मीटर इनका बेसिक डाया होता है ये इसको उठाते हैं ढोते हैं दे दू दे ट्रांजेक्शन्स विद दीज कॉइंस एंड फॉर नॉर्मल सर्विसेज जैसे ये हज़ार साल पहले अगर कोई नॉर्मल सर्विसेज करनी है किसी का घर बनाना है किसी का नॉर्मल गुड्स एंड ट्रस्ट सर्विसेज जो भी उस समय ट्रांजेक्शन्स होती थी तो वो जो ट्रांजेक्शन्स है वो इन पत्थरों से करते थे अगर कोई छोटा काम है और बड़ा पत्थर है तो उस पत्थर को डिवाइड करते थे तोड़ते नहीं थे बट पत्थरों के बीच में लाइन्स डाल देते थे एंड दो आर स्टिल वंडरिंग कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं ब्लॉक चेन एक्सेट्रा यू विमीजिएटली कनेक्ट इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स सो ये जब ट्रांजेक्शन होती थी तो जिसने वो ट्रांजेक्शन की वो गाँव में अनाउंस करता था कि आज ये ट्रांजेक्शन अनाउंस हुई है और आज से इस पत्थर की जो ओनरशिप है वो इस बंदे के पास चली गई है सो so, एक ट्रांजेक्शन हुई ट्रांजेक्शन अनाउंस हुई गाँव में सारे गाँव को पता चल गया दैट सो एंड सो ट्रांजेक्शन हैजेक प्लेस बिटवीन टू पीपल और वो सबके जहन में रिकॉर्ड हो गया देर वर नो पेपर्स देर वर नो राइटिंग अकाउंट्स लेजर्स वगैरह बट इट वॉज मेंटली सो सारे गाँव के जितने भी ये लोग आपको दिख रहे हैं इन सब के जहन में दिमाग में इट यूज टू बी नोटेड डाउन कि ये पत्थर आज की डेट में इसकी ओनरशिप है एंड ये वो वाला ट्रांजेक्शन हुआ था तो इट यूज टू बी रिकॉर्डेड एंड विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल ज्यादा पॉपुलेशन होती नहीं थी देर लैक्स एंड बिलियंस ऑफ पीपल उस समय दिस वॉज प्रटी मच पॉसिबल इन ए स्मॉल आईलैंड सो ये ट्रांजेक्शन हुई एंड फिर उसका गाँव में अनाउंसमेंट हुआ सारे गाँव वालों को पता चल गया कि ये ट्रांजेक्शन हुआ ये ट्रांजेक्शन किसने किसके साथ किया एंड देन दे यूज टू हैव ए कंसेंसेस तो एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट लेजर है हर दिमाग में हर इंसान के पास एक दिमाग में लेजर है कि उसने दस ट्रांजेक्शन्स देखीं उसने बीस ट्रांजेक्शन्स देखी किसी की शादी हुई उसमें कुछ सामान एक्सचेंज हुआ कहीं पे कुछ काम हुआ किसी ने किसी का घर बनाया सो इन टर्म इन दो टर्म्स एवरी वन वॉज अवेयर कि ये जो पत्थर जिसके पास भी है दैट इज़ ही इज़ द ओनर And now we will connect all this with Bitcoin and blockchain slowly. So all Rai stone ownership was known to everyone, and that knowledge was updated whenever a transaction was made. So anytime a transaction was made, so update uh bandho mein automatically unke mein ho jata tha. So why didn't just one member of the tribe keep of the uh keep track of the Rai stones Why? जहन वही है रीज़न वही है सेंट्रलाइजेशन टू तो डिड सेंट्रलाइजेशन अगर उस बंदे की जिसने ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा अपने पास अगर उसकी तबीयत खराब हो गई या उसका किसी वजह से उसका मुरॉल डाउन हो गया वो डिप्रेशन में चला गया या फिर उसके दिमाग में कुछ निफेरियस आइडिया आ गया कि ये सारे के सारे कॉइन्स जो हैं ये मैं इसकी ओनरशिप चेंज कर देता हूँ ये मैं अपने पास रख लेता हूँ या अपने रिश्तेदारों को दे देता हूँ तो दैट काइंड ऑफ थिंग तो उस वजह से जिसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं कि एक सेंट्रल कैरेक्टर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी इट विल बी अवेलेबल टू ऑल एंड सिमिलरली दिस थिंग ये अपना काम करते रहते थे ये अपना ट्रांजेक्शन्स करते रहते थे गांव में हज़ारों ट्रांजेक्शन्स होती रहती थी, थी और वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं उन लोगों के पास रहती थी दे यूज टू अनाउंस इट एंड दी कंप्लीट विलेज वॉज एट एन एग्रीमेंट कि ये इस कॉइन की एग्रीमेंट ये है एंड इसकी खास बात ये है कि अगर गांव में से जिसके पास भी ये डेटा रखा हुआ है जो भी ये ट्रांजैक्शन अपने दिमाग में रखा है अगर उस गांव में से ये कोई छोड़ के भी चला गया अगर ये कोई छोड़ के भी चला गया गांव तो इट डजेंट अफेक्ट बिकॉज बाकी गांव वाले तो हैं बाकी गांव वालों को तो दिमाग में मालूम है कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स हुई तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ये जो लेजर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है ये सबके पास है अगर इसमें से एक नोट डाउन भी हो गई सो इट डजेंट मैटर बिकॉज सारे गाँव जो बाकी गाँव हैं उसको मालूम है सो इन दिस रिगार्ड द लेजर बिकम्स फॉल्ट टॉलरेंट फॉल्ट टॉलरेंट मतलब कि अगर कोई फॉल्ट जनरेट भी हुआ इवन देन दी ट्रांजेक्शन्स दी लेजर विल स्टे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड यहाँ तक इसमें ये uh, भी एक प्रोविज़न uh, था कि जैसे वो जो मैंने शुरू में दो आइलैंड्स बताए थे यैप एंड पलाओ तो यैप आइलैंड्स में पत्थर नहीं मिल मिलते थे पलाओ आइलैंड में पत्थर मिलते थे तो यैप आइलैंड से गांव वाले पलाओ आइलैंड में जाते थे वहां से उन पत्थरों को उठाते थे उसको शेप देते थे एंड शेप देके उस पत्थर को उस आइलैंड uh, से उठा के इस प्रेजेंट आइलैंड में मेंप आइलैंड्स में लाते थे और इस बीच में अगर वो पत्थर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर वो बीच में डूब भी जाता था सपोज करो वो सी में डूब गया कहीं पे तो अगेन इट वाज नॉट कंसीडर्ड कि वो लॉस्ट हो गया बिकॉज उसमें इतना काम हुआ है लोगों ने मिलके उसमें काम किया है तो इट यूज्ड टू बी काउंटेड अब ये जो पत्थर हैं मैं आपको जस्ट इसका एक वीडियो दिखा रहा हूँ जहाँ पे एग्जैक्टली यू विल बी एबल टू सी कि ये पत्थर कैसे रखे हैं आज भी एंड ये कोई ऐसा पुराना वीडियो नहीं है या कोई शूट स्पेसिफिकली uh, ये uh, नहीं है एक टूरिस्ट का वीडियो था दिस वॉज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड यू कैन ऑल्सो वॉच इट सो दिस इज़ ए स्मॉल क्लिप फ्रॉम दैट वीडियो वेर एन यू जस्ट स्टार्ट सींग कि ये जो पत्थर हैं ये सब एक जगह रखे रहते थे दैट वॉज डिफाइंड एरिया सब घर में नहीं रखते थे दैट वॉज ए डिफाइंड एरिया दिस वॉज एन ओपन एरिया जहाँ पे ये पत्थर रखे रहते थे ये जो सारे पत्थर रखे हैं दी एग्जैक्टली देर आर अबाउट थाउजेंड ऑफ कॉइंस हंड्रेड्स ऑफ कॉइन्स यहाँ पे अलग अलग इस आइलैंड में रखे हुए हैं ये देट यू विल भी एबल टू तो सी एंड अप्रिशिएट कि ये सारे पत्थर जो हैं ये हजार बारह सौ साल पहले दे माइंड अब वर्ड आ रहा है माइंड माइंड मतलब ये उधर दूसरे आईलैंड में गए वहाँ पे इसमें लेबर लगाई काटा पीटा एंड देन उसको शेप दी फिर उसको जैसे अगर छोटा पत्थर है तो एक बंदा उठा लाएगा अगर ज्यादा बड़ा पत्थर है 200-250 किलो का है तो उसमें 8-10 लोग लगेंगे तो नाउ एग्जैक्टली मूविंग अहेड इन दी डायरेक्शन इसको हम बंद करते हैं नाउ वी कम बैक टू दी प्रेजेंटेशन सो नाउ से दैट ए पर्सन फ्रॉम यैप वॉन्ट्स अ थ्री मीटर कॉइन एक आइलैंड है उसमें एक तीन मीटर का कॉइन किसी को चाहिए तो फर्स्ट द कॉइन मस्ट बी माइंड तो वो अपने दोस्तों के साथ अपने पार्टनर्स के साथ साढ़े चार सौ किलोमीटर बोट में जाएगा दूसरे आइलैंड पे वहाँ पे कैल्साइट जो पत्थर है उसको शेप देगा उसको काटेगा पीटेगा उसको एक एक डिस्टिंक्ट शेप देगा फाइनल कॉइन जो बनेगा जितने भी तीन मीटर का ढाई मीटर का चार मीटर का वो उसमें बनेगा देन वो ऑब्वियस डेंजर से होते हुए पलाव आइलैंड से याप आइलैंड में उसको ट्रांसफर किया जाएगा नाउ इंडीड द बिगर द कॉइन अगर छोटा कॉइन है तो उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी लेकिन बिगर द कॉइन हायर इज द डिफिकल्टी अब ये जो टर्म्स है हायर द डिफिकल्टी ये धीरे धीरे आपको मैं प्रेजेंटेशन में ब्लॉक चेन एंड बिट कॉइन से कनेक्ट करूंगा सो द वैल्यू इज कमेंशियटली ग्रेटर सो जो बड़ा पत्थर होगी उसकी ऑब्वियस है कि उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत की गई है उसमें ज्यादा माइनिंग की गई है उसमें ज्यादा लोग लगे हैं उसमें ज्यादा मेहनत की गई है सो वन ऑफ द क्वेश्चन इज कि uh, ये वेयर डज अ मनी कम फ्रॉम तो ये जो क्वेश्चन हैं अगर इस प्रकार का आपका क्वेश्चन रहता है तो जस्ट नोट इट डाउन वील डिस्कस इट एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड इफ यू नो एनी थिंग अबाउट करेंसी क्रिप्टो करेंसी नाउ वी कम टू द क्रिप्टो करेंसी पार्ट अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें तो उसमें वी ऑल्सो हियर दैट देर इज समथिंग दैट न्यू कॉइन्स आर बींग माइंड तो वो जो माइनिंग है वो वाली माइनिंग एंड ये जो पत्थरों की माइनिंग है इसमें व्हाट इज कॉमन एरिया कॉमन एरिया ये है कि जो वाले पत्थर थे उसमें मैनुअल डिफिकल्टी लगती थी उसमें हाथों की ताकत लगती थी हथौड़े लगते थे उसमें टूल्स लगते थे उसमें पसीना लगता था उसमें मेहनत लगती थी विजावेज ऑन दी अदर पार्ट टूडे वेन वी स्पीक अबाउट द क्रिप्टो करेंसी पार्ट द इट एग्जैक्टली वर्क इन द सेम मैनर और ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा बट उसमें जो डिफिकल्टी लगती है आज की रेट में हमारी इट इज़ नॉट मैनुअल इट इज़ नॉट मेहनत उसमें पसीना नहीं किसी का बह रहा है या कोई हथौड़े नहीं मार रहा है उसमें प्रोसेसिंग पावर लगती है तो so जितनी पा, जितनी जिसके पास प्रोसेसिंग पावर है ही विल बी एबल टू माइन द कॉइंस मोर सो जस्ट रीड दिस टेक्स्ट बट जस्ट लाइक माइनिंग राय कॉइन वर्क इज इन्वॉल्व फॉर बिटकॉइन माइनर्स फॉर एग्जाम्पल आर आर नॉट चार्टिंग ए शिप तो ये जो है पूरी की पूरी कहानी जो है जस्ट uh, कंपेयर कर रही है उधर मैनुअल लेबर है और इधर प्रोसेसिंग लेबर है नाउ विथ दिस बैकड्रॉप वील जस्ट मूव टू द इंटरनल्स सो एनी सफिशंटली एडवांस टेक्नोलॉजी इज इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक जब तक हमें टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं होता तो हमें लगता है कि ये एक जादू है कि ये जो क्लाउड है ये जादू है ये साउंड जो आ रही है ये जादू है बट अल्टीमेटली इट इज साइंस इट इज इंजीनियरिंग एंड एज इंजीनियर्स वी आर ऑल सपोज टू नो कि बैक एंड में हो क्या रहा है विच इज़ लुकिंग लाइक मैजिक सो एग्जैक्टली लाइफ इज सिंपल एंड सो इज ब्लॉक चेन एंड टेक्नोलॉजीज क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी तो इसमें आपको तीन वर्ड्स दिखेंगे क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी एंड देन वी हैव दिस वर्ड ब्लॉक चेन वेर इन वी हैव गॉट टू वर्ड्स हेयर एक वर्ड है ब्लॉक दूसरा वर्ड है चेन दैन वॉट इज द रिलेशन बिटवीन बिटकॉइन एंड ब्लॉक चेन मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ वॉट इज वन इज़ बिटकॉइन एंड वन इज़ ब्लॉक चैन सो वॉट इज द रिलेशन बिटवीन इट इज़ सिंपल दैट फॉर एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए वो बेयर मेटल पर नहीं रन करेगा इट नीड्स ए ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलरली so when we say microsoft word is an application of an operating system so operating system and application run. similarly we have got this bitcoin bitcoin is an application of blockchain technology bitcoin is an application of blockchain technology and blockchain technology as we move ahead in the course of presentation or as you dwell more uh, uh, exploring it you will find that bitcoin is just one of the technologies applications विच आर रनिंग ऑन ब्लॉक चेन अदरवाइज टुडे वी हैव गॉट एन एफ टीज आपने नाम सुना होगा आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम सुना होगा आपने अभी रिसेंटली अबाउट फिफ्टीन डेज बैक इंडियन गवर्नमेंट ने नैशनल ब्लॉक चेन स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है एंड इट इज़ अबाउट 60 पेजेस अगेन उसमें ब्लॉकचेन की जो एप्लीकेशंस हैं विच कैन बी अप्लाइड नेशनली अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज वो सारी डिस्कस की हुई हैं यू मस्ट गो थ्रू दैट पेपर सो ब्लॉकचेन इज एन इकोसिस्टम ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एंड इट इज़ जस्ट नॉट वन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि आज हमने जी सी ई टी में एक uh, सारे कंप्यूटर्स में लगा दिया और वो स, uh, सब में इंस्टॉल हो गया और ब्लॉक चेंज चालू हो गए नहीं इट इज़ एन इको सिस्टम और इसकी जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बट uh, हैं सारी की सारी पुरानी देर इज नथिंग न्यू अबाउट ऑल दिस टेक्नोलॉजी इन केस वी स्पीक अबाउट क्रिप्टोग्राफी वी स्पीक अबाउट डिजिटल सिग्नेचर्स और हैशिंग एल्गोरिथम्स और मर्कल ट्रीज ये सारी टेक्नोलॉजीज हमारे साथ इन दी आई टी वर्ल्ड they have been existing uh, for last about few decades but sorry amalgamate okay sorry xr milke, how are they running the blockchain and that we'll try to uh, get clear on so blockchain technology has been driving bitcoin since 2009 a brief prelude uh, uh, why is the need बिटकॉइन आया क्यों और ये बिटकॉइन या क्रिप्टो कर कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है वाई ये ग्लोबली सिटीजन्स को बहुत इंसाइट uh, कर रही है बहुत ही एक्साइट कर रही है नॉट बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट कि आज मैं इन्वेस्ट कर दूंगा और इसमें मेरा हो सकता है फायदा हो जाए नहीं दैट्स नॉट द पर्पज जो उसका इन्वेंटर था सतोशी नाका मोटा उसके ऊपर भी दो तीन स्लाइड्स में डिस्कस करूँगा तो उसका जो इन्वेंटर था उसका पर्पज कुछ और था उसका जो बैकहैंड दिमाग था वो था दिस इज़ वन वर्ल्ड वी लिव इन ग्लोबली वी आर इन वन वर्ल्ड एंड इन दिस वर्ल्ड वी हैव आवर ओन मल्टीपल वर्ल्ड्स सो एक यू एस ए हो गया साउथ अमेरिका हो गया इसमें अफ्रीकन एशियन कंट्रीज हो गई देन अबव चाइना रशिया ऑस्ट्रेलिया ये सारी की सारी एक ही दुनिया में अलग अलग दुनिया हमने बना रखी है ये जो सारी दुनिया है इन सब में देर आर मल्टीपल वेज ऑफ ट्रांजेक्शन्स कोई डॉलर में, में करता है कोई येन में करता है कोई युआन में करता है सो मैनी वेज एंड ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है अगर इंटरकॉन्टीनेंटल कोई ट्रांजेक्शन करनी है इट इज़ जस्ट नॉट एट द क्लिक ऑफ अ बटन इट गोज थ्रू अ नंबर ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी इज गोज थ्रू अ नंबर ऑफ रेगुलेशंस अगर दो कंट्रीज uh, में ट्रांजेक्शन हो रही है तो लैंड ए लैंड बी दोनों लैंड के जो लॉज हों वो अप्लाई होंगे फिर वो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग तो नहीं है वो सारे चेक होंगे सो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स तो थर्ड पार्टीज इसमें आती हैं एंड दे चार्ज ए ह्यूज कमीशन सो सिंपल ट्रांजेक्शन अगर सिंपल एक ट्रांजेक्शन है पॉइंट ए टू पॉइंट बी इट बिकम्स वेरी कॉम्पलेक्स फॉर एन इंटरनेशनल बायर एंड सेलर एंड दिस इज वेयर द ट्रांजेक्शन फीस कम इन द मिडिल पार्टीज कम इन एंड दे एक्सप्लॉयड अगर दस हजार रुपए की कोई ट्रांजेक्शन है इफ आई हैव टू सेंड इट टू यू एस तो आई हैव टू पे अबाउट सिक्स सेवन एट परसेंट ऑफ दैट पार्ट टू दीडिएटिंग एजेंसी चाहे वो उधर की गवर्नमेंट हो या इधर की हो या कोई थर्ड पार्टी निगोशिएटर हो या ब्रूकर हो एटसेट्रा सो ऑल दैट इज वेयर वाई नॉट

सो so दैट uh, ये जो पॉइंट्स हैं बेसिकली ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं है बट इसमें मैं टाइम ज़्यादा वो नहीं करूँगा बिकॉज आई लाइक टू डिस्कस मोर ऑन द टेक्नोलॉजिकल पार्ट कि बैक एंड में क्या चल रहा है सो मेजर प्रॉब्लम इन टूडेज मनी सैग्रीगेशन सो सेग्रीगेशन इज मतलब सबके पास बैंक फैसिलिटीज़ नहीं है सबके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है सबके पास आधार कार्ड या रिस्पेक्टिव सिटीजन कंट्री कार्ड नहीं है ये स्लाइड्स मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ सो बट दीज विल भी अवेलेबल सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड सो जस्ट हैव ग्लानस री लुक ऑन दिस देन सेकंड प्रॉब्लम इज़ प्राइवेसी प्राइवेसी में हर ट्रांजेक्शन जो मैं कर रहा हूँ वो ट्रेस हो रही है हो सकता है वो सेंसर हो जाए हो सकता है वो फ्रीज हो जाए गवर्नमेंट बोल दे कि यार इसका अकाउंट फ्रीज कर दो हो सकता है कि वो सीज हो जाए हो सकता है कि वो कोई आए एंड सीज कर ले डिपेंडिंग ऑन मैंने उसमें क्या ट्रांजेक्शन की है इन्फ्लेशन इज अनदर प्रॉब्लम इंटरनेशनल बॉर्डर्स जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया इंटर कॉन्टिनेंटल अगर कोई ट्रांजेक्शन होनी है देर विल देर विल बी रेगुलेशन विच आर देयर विच समबडी विल हैव टू फॉलो एंड उनको फॉलो करने के लिए टू ईज दी प्रोसेस देर विल बी थर्ड पार्टीज टू हूम आई विल हैव टू पे द फीस तो ये सारी तीन चार पॉइंट्स हैं सेग्रीगेशन प्राइवेसी इन्फ्लेशन एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स ये ट्रेडिशनल मनी के संग एग्जिस्ट करती हैं एंड ये सदियों से एग्जिस्ट कर रही हैं बट जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है दीज ऑल प्रॉब्लम्स के साथ इन सारी जो चारों पांचों प्रॉब्लम्स हैं इन सबके साथ आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था जिसमें कई लोगों का पैसा डूबा कई मल्टीनेशनल कंपनीज बंद हो गई बट ये सारी जो कंपनीज बंद हुई थी एंड ऑल दीज फोर फाइव रीजन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन सब का एक ही रीज़न था देयर इज समबडी हु इज़ वॉचिंग एस हु इज यूजिंग आवर मनी हु इज ट्वीकिंग द पॉलिसीज टू इट्स ओन बेनिफिट एंड एट द एक्सपेंस ऑफ द सिटीजन सो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हुआ एंड द रीजंस आर वेल नोन आप देख सकते हैं एंड विद इन फ्यू मंथ्स इसके बाद अराउंड अक्टूबर थर्टी फर्स्ट को अराउंड फोर्टीन टेन दिस इज दी ईस्टर्न डे लाइट टाइम टू थाउजेंड एट में एक पेपर अपलोड हुआ जिसका नाम था दिस बिटकॉइन अ पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम एक नौ पेज का पेपर था विच वॉज अपलोडेड विच वॉज शेयर्ड इन ए लिमिटेड कम्युनिटी देन अबाउट फिफ्टी सिक्सटी और उसमें टेक्नोलॉजी इंथोजिया थे इंजीनियर थे आई टी डेवलपर्स थे हु रेड दिस पेपर दिस वॉज अपलोडेड नाका मोटो And this is still available you must have a look in case you are uh, willing to learn about blockchain or bitcoin or anything so this is a simple nine page paper and when you start reading all this these this paper was single-handedly responsible for removing all these four points jo problems traditional money exists segregation privacy inflation international borders points remove it marked arrival of one of the most disruptive technologies ever that is blockchain. सतोशी नाकामोटो के बारे में दो तीन स्लाइड्स हैं कि वो कौन है कहाँ से आया नोबडी नोस कि वो कहाँ से आया आज की डेट में वो कहाँ एग्जिस्ट करता है वो ग्रुप ऑफ पीपल है या सिंगल पर्सन है ही रिमेन्स मिस्टीरियस टिल नाउ इनफैक्ट बीच में देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई ऑल्सो अगर आप गूगल करेंगे सतोशी नाका मोटो की कई सारी फोटोग्राफ्स आ जाएंगी कोई कहेगा जापानीज है कोई कहेगा इट इज लाइक एक जॉन uh, मकैफे ने अनाउंस किया था कि बिटकॉइन क्रिएटर सतोशी नाका मोटोज ए ग्रुप ऑफ इंडियंस ऑल दो उसका कोई बेस या कोई फाउंडेशन नहीं था बट दीज आर वेरियस वर्जन सो सतोशी नाका मोटो जो उसने पेपर अपलोड किया उसके तीन चार महीने बाद बेस्ड ऑन दैट पेपर ही अपलोडेड अ सॉफ्टवेयर That is Bitcoin software. So that was the first time Bitcoin shabd um, mentioned hua tha in uh, January 2009 and he created a domain which was known as bitcoin.org and continued to collaborate with other developers for about uh, one year for about one year. Uh, he worked on that. सॉफ्टवेयर वॉट एवर ही हैड अपलोडेड जो उसमें कम्युनिटी मेंबर्स से 50, 60 और डेवलपर्स से ओपन सोर्स कम्युनिटीज इज वज देर वाज़ नो लिमिटेशन ऑन दैट कम्युनिटी कोई भी ज्वाइन कर सकता था तो दे वर्कड ऑन दिस एंड दे इम्प्रूवमेंट्स टू इट एंड सबसिक्वेंटली इट वॉज लॉन्च्ड एज ए स्टेबल सॉफ्टवेयर एंड देन ही वैनेज बेस्ड ऑन दैट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी As on date, there are about 10,000. Of course, slide may have you 5,000, but in case we include NFTs and we include the cryptocurrencies, so there are about 10,000 variants of that cryptocurrency. And ye, uh, this slide basically gives you an estimate ki me, what is the amount of economy these cryptocurrencies are currently uh, running into. And फ्राम टेक्निकल परसपेक्टिव हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्राम आई टी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग द बेस्ट पार्ट इज इफ आई से बेस्ट पार्ट और मे बी द डिफिकल्ट पार्ट इज दैट दे ऑल वर्क डिफरेंटली ऐसा नहीं है कि एक सोर्स कोड सिंपली दूसरी तर एक तरह से उठाया और दूसरी तरफ डाल दिया ऐसा नहीं है दे हैव वेरियंट्स किसी में कंसेंसस अलग होगा किसी में क्रिप्टोग्राफी अलग होगी किसी में पब्लिक कीज प्राइवेट कीज़ जनरेशन अलग होगा किसी में अलग मेथड्स होंगे बट ओवरऑल जो बेसिक टर्म ऑफ रेफरेंस है बेसिक कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं ब्लॉक की दे वर ऑल डिराइव्ड इन द सेम मैनर सो टोटल मार्केट कैपेसिटी आज की डेट में दिस इज अगेन फ्यू मंथ्स ओल्ड 1.72 ट्रिलियन इन रुपीज As on 20th November, this is about a month back. So, this was the uh, amount uh, of Bitcoin. Just for an estimate, it may be a little up and high as on date. So, how does a Bitcoin look? Bitcoin does not look like this. From a uh, technical perspective, it looks like this. This is one Bitcoin address with, which starts from one and it looks like this. So, anytime बिटकॉइन ट्रांजेक्शन हैपन्स सो वी डू नॉट हैवे सिम्पल बिटकॉइन एक रुपया दे दिया या फीएट करेंसी में मैंने एक नोट दे दिया इट इज़ अ यूनिक सेट ऑफ पब्लिक कीज एंड पब्लिक पब्लिक एंड प्राइवेट कीज फ्रॉम विच द ट्रांजेक्शन इज मेड टू अ पर्टिकुलर एड्रेस तो जो पर्टिकुलर एड्रेस है विच इज़ आइडेंटिफाइड बाई ये जो एड्रेस आपको दे रखा है सो ऑब्वियसली बाई नेम एंड यू मस्ट बी अवेयर वॉट पब्लिक कीज एंड वॉट प्राइवेट कीज आर पब्लिक कीज़ आर अवेलेबल टू एवरी वन मैं अगर अपनी कोई पब्लिक की uh, या प्राइवेट की सेट जनरेट करता हूँ अपने कंप्यूटर पर सो आई विल भी वेरी हैप्पी टू शेयर माई पब्लिक की विद यू बट आई नॉट शेयर द प्राइवेट की सो उसके जो मैकेनिक्स हैं आई एम श्योर यू विल अप्रीशिएट कि पब्लिक की और प्राइवेट की कैसे काम करते हैं दैट वी कैन डिस्कस एट दी एंड इन दिस शॉर्ट टाइम सो बिटकॉइन इज ऑफन एडवर्टाइज एज ए अनोनिमस करेंसी बिटकॉइन एक अनोनोमस करेंसी बताई जाती है बट इट इज नॉट अनोनीमस इट इज सीडोनॉमस नो अनोनिमस एंड सीडोनॉमस देर इज अ डिफरेंस एनोनमस इज एब्सोल्यूटली देर इज देर कैन बी नो क्ल्यूज कि ये किसने होल्ड कर रखी है क्रिप्टो करेंसी बट सीडोनॉमस इज देर इज अ निक नेम टू इट एंड ऑन द ब्लॉक चेन ऑन द बिटकॉइन ब्लॉक चेन वैन वी से सीडोनॉमस है तो सीडोनॉमस का मतलब है

नॉट इज़ अनुपम तिवारी सो बिटकॉइन इज़ नॉट डिज़ाइंड टू बी एनोनिमस आज की डेट में कई करेंसीज हैं अगर आप एक्सप्लोर करेंगे मुनैरो है तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनोनिमस करेंसी क्रिप्टो करेंसी विच इज़ देयर सो एवरी वन हैज़ इट्स ओन इंटरपिटेशंस कि बिटकॉइन क्या है ब्लॉक चेन इन्वेस्टर बोलता है कि यार बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है या क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं रिच हो सकता हूँ टेक्नोलॉजिस्ट बोलता है कि यार इसमें बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं एंड इट वर्क लाइक मैजिक ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी तो कॉमन मैन है उसको सिर्फ यही दिखाई देता है कि देर इज लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें पॉसिबल है और इसमें मैं कुछ पैसे कमा लूंगा फॉर लास्ट लास्ट वन ईयर जब मोस्ट ऑफ द इंडियंस वर कंफाइंड इन साइड देयर होम्स इंडियंस इन्वेस्टेड बिलियंस इन बिटकॉइन डॉच कॉइन उनकी उम्मीद यही है कि ये जो मेरा बिटकॉइन मैंने कुछ खरीदा है या मैं इसमें रखूंगा तो मैं ओवर नाइट या ओवर ए ईयर या ओवर प्लस मैं बिलियन ईयर हो जाऊंगा सो इन दैट कंटेक्स्ट यू कैन इमेजिन फोर्टी फोर बिलियन डॉलर्स फोर्टी फोर इंडियन बिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं डिस्पाइट आर बी आई उसमें वार्निंग देता रहता है so that's about the kind of percentage that you see on the screen is 19900 rise in a year the investment 40 billion dollar i'm sorry wo rupees nahi the 40 billion dollar indians ne invest kiye in last year alone multinationals they see that blockchain is the future जो हम देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं हमें research papers पढ़ने को मिलते हैं या कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हम करते हैं सो VC सी कि इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं एंड दिस इज वॉट वील बी इंटरेस्टेड इन सो ये कुछ लाइड्स हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट दिखा रहे हैं कि वॉट गवर्नमेंट ओपिनियन इज एंड इट कीप्स चेंजिंग थोड़ा सा इसका बिल पार्लियामेंट में अभी भी पुटअप है क्रिप्टो करेंसी इसका विच इज नॉट येट बीन डिस्कस्ड एंड वो बिल आया नहीं है लेकिन इसके ड्राफ्ट यू विल बी एबल टू सी ऑन दी इंटरनेट सो पी एम मोदी ही हैज़ बिन वेरी वोकल वेरी वोकल अबाउट ब्लॉक चेन in uh, the uh, conferences that he used to attend prior to covid and f then covid happened of course we know there has been limited move but the global attraction the vocal not just of pm modi of, or not just of the country uh, india globally us russia australia all the developed countries they have been very vocal about blockchain technology and it is about to explode it is already exploding and we are going through one of the phases so blockchain uh, this document that i was mentioning this was the draft document but now about last month in november 21 uh, the complete document has come up and it is about 50 60 pages you must go through in case you are interested just type uh, blockchain the indian strategy document and you will get that document 60 pages ka hai. Alag, alag states hamare country may they are all

yes there used to be a certain amount of percentage that is about 10 to 12 maybe 10 to 15% that was attributed to cyber crimes the bitcoin transactions but as on date it is just 0.34 percentage of the total transactions ek din mein approximately kitni bitcoin transactions when you go onto the internet you can find that the range varies from 3 lakh 3.5 lakh 4 lakh lakh that's the daily number of transactions which are happening सो एक बेसिकली एक ग्राफ है दैट यू विल बी अप्रीशिएट टू अप्रिशिएट फ्रॉम 2019-2021 रेंज हैज बीन अबाउट 3 लाख, 4 लाख भी पहुंच गया है कभी कभी 4 से ऊपर भी पहुंच गया है साढ़े चार लाख भी पहुंचा है देन इट इज जस्ट मूविंग अराउंड तीन चार तीन चार लाख साढ़े तीन लाख ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड दिस इज ए टेक्निकल पार्ट जैसे वीजा की जो ट्रांजेक्शन्स एक्सपेक्ट की जाती हैं वाइल वी स्पीक कि ब्लॉक की जो टेक्नोलॉजी है दिस वी बी एबल टू यूज इट इन दी बैंक्स But there is there are some technical limitations to it, and one of this is that Joe Bitcoin, sorry Joe Master uh, Master and Visa transactions, hai, they are able to handle up to 1,700 transactions per second. But Bitcoin is just as on date, working around seven eight. Ethereum is about at 15 uh, per second. बट देर आर अदर ऑप्शन देर आर अदर सॉल्यूशंस कमिंग अप जैसे मैंने लिखा हुआ है रीड लाइटनिंग नेटवर्क तो रीड अगर आप लाइटनिंग नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे इन ब्लॉक चेन इन कंटेक्सट ऑफ ब्लॉक चेन देन यूल बेबल टू अप्रिशिएट की वॉट इज ऑल अबाउट दिस सो ब्लॉक चेन की बेसिकली uh, चार करेक्टरिस्टिक्स हैं डी सेंट्रलाइजेशन देर इज नो सेंट्रलाइजेशन इसमें कोई सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है न्यूट्रल इट इज़ न्यूट्रल इट इज इट के नॉट बी एफेक्टेड बाय एनीबडी ट्रांसपेरेंसी एवरी ट्रांजेक्शन इज विजिबल मैं आपको uh, I'll see to it. मैं आपको लास्ट में दिखा िटी इम्यूटेबिलिटी uh, मैं आपको अभी दिखाऊंगा वॉट इम्यूटेबिलिटी इज डिराइव हाउ इज इट डिराइव्ड इन केसेस सो एक्चुअल इंटेंट ऑफ बिटकॉइन इज दैट ये तो इसकी डेफिनेशन पार्ट हो गया क्रिप्टो करेंसी इज एन अटेम्प टू ब्रिंग बैक डी सेंट्रलाइज करेंसी ऑफ पीपल वन 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 दिस इज़ ऑल डेफिनेशन पार्ट बट एग्जैक्टली इसका हिंदी में क्या मतलब है कि इसने अचीव क्या किया इसने अचीव ये किया बिटवीन अ बायर बिटवीन अ सेलर अगर दो बंदे दो पार्टीज़ ट्रांजेक्शन करना चाहती हैं दो नोड्स ग्लोबली कुछ ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं देर विल बी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन देर विल बी नो अदर इंटरवेंशन देर विल बी नो मॉनिटरिंग देर विल बी नो सर्वेलेंस दे आर डूइंग ए ट्रांजेक्शन एंड दैट्स द सोल इंटेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी रिमूविंग दी थर्ड पार्टीज ये जो बीच में हमारे ट्रांजेक्शन्स में थर्ड पार्टीज होती हैं वीजा पेपैल या मैस्ट्रो मास्टर कार्ड कुछ भी पेटीएम कुछ भी जितनी भी हमारी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन होती हैं जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हमको देख रहे हैं दी शुड बी रिमूव्ड इफ आई हैव टू डू अ ट्रांजेक्शन आई विल जस्ट डू अ ट्रांजेक्शन विद दी पर्सन दैट आई एम इंटरेस्टेड इन विदाउट एनी वन वॉचिंग मी सो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी ने अचीव किया गया इट निगेटेड दी मिडल मैन मिडल मैन अब नाउ यू कैन जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि मिडिल मैन किसके बारे में होता है मिडल मैन इज जस्ट नॉट बैंक मिडिल मैन इज जस्ट नॉट ए मैस्ट्रो और ए पे मिडल मैन इज लाइक फॉर एन एग्जाम्पल जैसे अगर आपको अपना घर या अपनी गाड़ी आपका कोई ट्रांजेक्शन करना है आपको खरीदना है आपको बेचना है सो वॉट विल यू डू यू हैव टू हैव ए थर्ड पार्टी इन बिटवीन आपके पास एक अथॉरिटी होगी जम्मू अथॉरिटी होगी या कोई और अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी जहाँ पर आप जाओगे आप या आर टी ओ में जाओगे या वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करोगे थर्ड पार्टी वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगी एंड इट इज़ एज एक ब्रोकर आ जाएगा बीच में कि सर मैं आपका ये एक्सपाइट जल्दी करा दूंगा मैं आपको कल ही करा दूंगा साइन करा के दे दूंगा ये मेरे को एक्स्ट्रा मनी दे दीजिए तो दीज आर ऑल दी मिडल मैन और ये मिडल मैन हर जगह एग्जिस्ट करता है वेदर इट इज गवर्नमेंट सिटीजन सर्विसेज वेदर इट इज द नॉर्मल लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स हर जगह एक ब्रूकर एक मिडिल मैन होता है एंड दिस इज वॉट ब्लॉक चेन इज एंड ये पूरा जो ग्लोबल अट्रैक्शन है उसका बेसिक अट्रैक्शन यही है कि एलगोरिथमिकली वी आर एबल टू डिफाइन अ कंसेंसिस रिमूविंग द मिडल मैन इसको और क्लियर करते हैं सो वॉट डज दिस मिडल मैन डू जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं बैंक्स का सो so, बैंक्स में सब ये सारे बैंक्स मैंने वैसे तो सिर्फ इंडियन कंटेक्सट के लिए हैं बिकॉज ये मेरे को फिगर uh, आराम से मिल गया था सो वॉट डज बैंक डू तो बैंक के बेसिक कुछ फंक्शंस होते हैं ये प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शंस की एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स लोन देना एक्ट एज एजेंट ओवर ड्रॉल फैसिलिटी एंड ब्ला 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 सो मैनी फंक्शंस है देयर तो ये जो सारे फंक्शंस हैं इसका बेसिक पर्पज़ है ट्रस्ट ये सारा ट्रस्ट जो है बैंक आ, हमको दे रहा है इन केस आई डिपॉजिट सम अमाउंट टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड और सम अमाउंट इन दिस बैंक सो इट इज़ माई ट्रस्ट ऑन दैट बैंक कि ये अमाउंट हमेशा मेरे को विजिबल रहेगा एंड दिस बैंक ये जो अमाउंट है ये मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ ट्रांजेक्शन के लिए एंड आई कैन ट्रस्ट द बैंक कि जो मैं डेबिट करूंगा या जो भी मेरे को क्रेडिट आएगा वो इसमें सही से ही दिखेगा एंड फॉर दिस द बैंक चार्जेस सम सर्विस चार्ज तो ये जो सर्विस चार्ज है ये अगर हट जाए अगर ये बैंक ही पूरा हट जाए कैसे हटेगा अगर ये जो ट्रस्ट है इफ दिस ट्रस्ट बाय बैंक इज रिप्लेस्ड विद एन एल्गोरिथम इफ दिस ट्रस्ट बाय गिवन बाय द बैंक इज रिप्लेस्ड विद एन एल्गोरिथम विद ए कंप्यूटर एल्गोरिथम तो फिर ये ब्लॉकचेन आता है तो ब्लॉकचेन गेन्स क्या है ब्लॉकचेन के फायदे क्या है इम्यूटेबिलिटी अब इम्यूटेबिलिटी आई अगेन रह गया है व्हाट इज इम्यूटेबिलिटी कि अगर कोई चीज़ इसमें ट्रांजैक्शन आ गई है तो वो चेंज नहीं हो सकती है ओनरशिप डिसेंट्रलाइजेशन बेटर सिक्योरिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टीज ये कई सारे एडवांटेजेज हैं विच आई एम जस्ट मैंशनिंग आउट हेयर एंड ये एक स्मॉल वेब है जो मेजर एडवांटेजेज मेरे को दिखीं तो मैंने ये वेब बना दिया बाकी दिस कैन बी एक्सपेंडेड टू मच बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड एडवांटेजेस so the details so behind the scenes two words the so, first word is block and the second word is chain for the unversed, what exactly is blockchain up for next about uh, ab 11 5, 48 hai. so for the next about 5 10 minutes i will try to work uh, again repeat in a different manner to explain you understand what is immutability what is blocks what is chain what chain are we talking about so just imagine there is a block जिसमें हमने कोई डेटा डाला हुआ है इट कैन बी एनी थिंग इट कैन बी ए टेक्स्ट फाइल इट कैन बी प्रेजेंटेशन इट कैन बी म्यूजिक फाइल इट कैन बी एनी डेटा विच इज़ अवेलेबल ऑन दी कंप्यूटर जो अगर कंप्यूटर में हमें फाइल दिख रही है या कंप्यूटर में हमें कोई ट्रांजेक्शन दिख रहा है या हम ट्रांजेक्शन कुछ कर सकते हैं तो दैट इफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन फॉर्म ऑफ ए डेटा इनसाइड दिस ब्लॉक लेट दिस ब्लॉक बी कॉल्ड एज वन टू थ्री फोर या कोई भी इसको हम नंबर दे देंगे देन देर इज समथिंग नोन एज हैश हैश आर क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम दैट मैप्स डेटा ऑफ आर्बिटरी साइज टू अ बिट एरे ऑफ ए फिक्स तो ये तो हो गई uh, इसकी कंप्यूटर डेफिनेशन की दिस इज हैशिंग बट एग्जैक्टली हैशिंग का इसका मतलब क्या है कि इनपुट एनीथिंग हैश के लिए मेरे पास कुछ भी डाटा हो उसका कोई भी फॉर्मेट हो कोई वो पीपीटी हो टेक्स्ट हो या डॉक हो या जेपीजी हो या जीआईएफ हो या कुछ भी हो इट कैन बी एनी फॉर्मेट अगर मैं उसमें हैश एल्गोरिथम लगाऊंगा सपोज करो मैंने हैश एल्गोरिथम्स टू एनी ऑफ दीज फाइल्स आई विल नंबर ये नंबर इस तरह का से आपको दिखेगा जैसे सिक्स फाइव सिक्स बी सी वगैरह आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सो दिस इज वन हैश ऑफ नंबर यानी इसकी खास बात यह है कि अगर आप इसको एक छोटे टेक्स्ट फाइल पे लगाओगे तो भी ये 64 डिजिट आएगा अगर आप इसको एक बहुत बड़ी चार जी या पाँच बी जी बी की कोई मूवी है या कोई फाइल है आप उस पर लगाओगे तो भी ये सेम 64 डिजिट आउटपुट आएगा विद ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स सो फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट इनपुट मैंने अगर दिया टॉक ऑन एटीन डिसम्बर ये मेरा डेटा है सपोज करो एंड दिस uh, पे इस चीज़ पे टॉक ऑन एटीन दिसंबर पे मेरे को हैश लगाना है तो so, जब मैं इस पर हैश लगाऊंगा तो मेरा एक ऑलवेज सिक्सटी फोर डिजिट हैश आउटपुट आएगा जो लगभग इस तरीके से दिखेगा इट मे बी अगर मैं हैश एल्गोरिथम चेंज कर दूंगा तो उसका आउटपुट हो सकता है चेंज हो जाए इट मे बिकम सिक्स सिक्सटी फोर से फोर्टी एट आ जाए या फिफ्टी सिक्स आ जाए या कुछ भी आ जाए तो फॉर दी सेक ऑफ क्लैरिटी हेयर आई एम यूजिंग एस एच ए टू फाइव सिक्स और उसका हैश ये है तो ये एक यूनिक हैश है अब यूनिकनेस को मैं कैसे डिफाइन ये जो मैंने लिखा है वॉच तो टॉक ऑन का ये C था, तो इसका हैश देखिए एंड देन अगर मैंने वो कैपिटल सी को स्मॉल सी कर दिया तो so अगेन पूरा का पूरा स्मॉल पूरा हो गया एंड देर इज नो सिमिलैरिटी ये दोनों हैश में आपको दिखा रहा हूं एब्सोल्यूट नो सिमिलैरिटी ये स्नोबॉल अफेक्ट है इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं रहेगी थोड़ा सा चेंज किया तो थो, थोड़ा सा हैश चेंज हो गया नहीं हैश पूरा उसकी शक्ल ही चेंज हो जाएगी देर विल बी एब्सोल्यूटली नो सिमिलैरिटी सो हेयर इन वी आर डिफाइनिंग यूनिकनेस यूनिकनेस सो ब्लॉक विथ सम डेटा इसमें मैंने कुछ भी डाला लेट इस ब्लॉक को लेट लेट कॉल ब्लॉक नंबर वन टू three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ऑल दीज ब्लॉक्स लेट दीज ब्लॉक्स एग्जिस्ट ये सारे ब्लॉक्स में कुछ ना कुछ डेटा मैंने डाला किसी में मैंने फोटोग्राफ डाली किसी में टेक्स्ट डेला किसी में मैंने फोटोग म्यूजिक फाइल डाल दिया किसी में वीडियो डाल दिया देन ये जो सारे ब्लॉक्स हैं नाउ आई स्टार्ट लिंकिंग them. मैथमेटिकली कनेक्टेड हैश ऑफ ब्लॉक one embedded इन ब्लॉक two. जो मैंने हैश का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा मेंशन किया था इफ आई यूज दैट हैश कॉन्सेप्ट ऑन ब्लॉक सो आई गेट अ यूनिक हैश दैट हैश विल बी स्टोर्ड इन ब्लॉक टू सिमिलरली व्हेन आई लिंक अप ब्लॉक टू एंड ब्लॉक थ्री देन दैश ऑफ ब्लॉक टू विल बी स्टोर्ड इन ब्लॉक थ्री सिमिलरली इनकेस आई अगेन कनेक्ट क्रिप्टोग्राफिकली ब्लॉक नंबर थ्री एंड फोर दैट मीन्स ब्लॉक थ्री का जो हैश होगा वो मैं ब्लॉक फोर में स्टोर कर दूंगा एंड सिमिलरली आई गो ऑन सो वी गेट अ चेन ऑफ ब्लॉक्स एक ब्लॉक जिसके पीछे वाले ब्लॉक का मैंने हैश उसमें स्टोर कर रखा है एंड दीज आर ऑल मैथमेटिकली कनेक्टेड तो ये जो मैथमेटिकली कनेक्टेड चेन ऑफ ब्लॉक्स है दिस इज नोन एज ब्लॉक चेन अगेन टू इम्पार्ट मोर क्लैरिटी कि हैश सिर्फ हैश का ही गेम है यस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज इट इज़ कम्प्लीटली हैश तो ये जो मैंने सिंपली बताया है इसमें जो बैक एंड में आपको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है बी आई पी गेटिंग मर्कल रूट जी पी यू एफ पी जी एज एग्जीक्यूटिबल्स दीज आर ऑल दी बैक एंड टेक्नोलॉजीज विच आर जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग ये पूरा जो सिस्टम वर्क कर रहा है दीज आर ऑल द बैक एंड टेक्नोलॉजीज सो आई जस्ट क्लियर गेट मोर क्लियर ऑन ब्लॉक चेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स अब आपको मैंने याप के बारे में बताया पलाव आइलैंड के बताया देन आई स्पोक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स देन आई स्पोक अबाउट रिसेंटली अबाउट दिस हैश नाउ वील स्पीक अबाउट ये ब्लॉक चेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स के बारे में गया है सो ब्लॉक चेन इज अ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सो ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया डेफिनेशन पार्ट में सिर्फ डाल देता हूँ सो देट यू जस्ट कनेक्टिड लेटर अदरवाइज आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर सिम्पली इन टर्म्स ऑफ फिगर्स और काइंड ऑफ सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर लेजर इट के इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी और डी एल टी और आर जे टी अलग अलग नाम है इसके डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के कैसे उसको बोलते हैं सो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स ट्रेडिशनल व्यू मैं डॉक्यूमेंट्स को कैसे शेयर करता हूँ अगर एक बंदा उधर बैठा है एक बंदा इधर बैठा है तो आधर और मेरे को वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर करना है सो आय मैं या तो लोकल लाइन यूज करूँगा कि लोकल लाइन पे शिफ्ट कर लूंगा या मैं उसको ई कर दूंगा अगर ई भी नहीं करूँगा तो फिर हो सकता है कि मैं उसको इन पर्सन वो डॉक्यूमेंट दे दूँ या फिर मैं उसको गूगल डॉक्स पे शेयर कर सकता हूँ लेकिन अगर ये जो सारे दो बंदे हैं इफ़ आई इंक्रीज देम टू मिलियंस एंड बिलियंस देन देयर विल बी क्राइसिस ऑफ बैंडविड्थ हो सकता है वो सर्वर क्रैश कर जाए एंड दिस यू माइट हैव आल्सो सीन कभी किसी का सी बी एस सी रिजल्ट आए साइट डाउन हो गई या कोई चीज लॉन्च हुई जिस पे पूरी दुनिया बैठी हुई है कि मैं भी देखूंगा मैं भी देखूंगा तो वो साइट क्रैश हो जाती है सो so, चॉइसिस क्या हैं देयर कैन बी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सो द आइडियल सिचुएशन इज़ दैट एवरी वन हैज इज़ ओन लोकल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इंटरनेट टेक्स केयर ऑफ़ द इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इसका मतलब क्या हुआ एवरी नोड मेनटेन्स अ ल लोकल कॉपी ऑल दी कॉपीज आर आइडेंटिकल एंड ऑल दीज कॉपीज आर अपडेटेड बेस्ड ऑन ग्लोबल इन्फॉर्मेशन मतलब हजारों नोट हैं हज़ारों नोट्स के पास एक कॉपी है वो बिल्कुल यूनिक है दे आर हैश इ हैश से उनका चेक होता है इंटीग्रिटी चेक सारी की सारी डिटो हैं कॉपीज है, एक एब्सोलूट आइडेंटिकल है एंड दे आर अपडेटेड रेगुलरली तो अब मैं आपको एक फिगर पर ले जाता हूँ बिफोर Mm, yeah. Okay. Now let this be that common world map that we have. Suppose we have got four people here: A, B, C, D. Now, now you connect uh, your concepts of distributed ledgers. You concept uh, of global transactions that we had spoken about. That log, different continents, different uh, countries. Mein batke, they are trying to do a transaction. Now, uh, these four people, suppose. फॉर दी सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी मैंने इन सब के अकाउंट में हज़ार हजार रुपये रखे हुए हैं तो एक्चुअल में जब बिटकॉइन की बात हम करते हैं तो वी ऑलवेज स्पीक ऑफ टोकन्स बट वो टोकन्स की जगह मैंने यहाँ पर रुपीज़ ले लिया है फॉर जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग पर्पज सो वी हैव थाउजेंड रुपीज एट ईच नोड ए बी सी डी अब सपोज करो ए ने बी को दो सौ रुपये ट्रांसफर किए ए ने बी को ए इज़ इन ए डिफरेंट कंट्री बी इज इन ए डिफरेंट कंट्री एंड सी एन डी आर अदर नोड्स इनका अभी इस ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है दे आर सिटिंग आइडल वो अपना आराम से कहीं पे अपना काम कर रहे हैं तो ए ने बी को ट्रांसफर किया तो क्या होगा नॉर्मल कोर्स ऑफ उसमें अगर ट्रेडिशनल हम सिस्टम देखें तो ये जो अकाउंट अपडेट है ए और बी का ये दोनों अपडेट हो जाएंगे लेकिन ब्लॉक चेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स में क्या हो रहा है ये जो ट्रांजेक्शन हुई दिस इज़ पॉपुलेटेड एट सी एंड डी ऑल्सो A transferred rupees B uh, transferred rupees 200 to B. So this has been uh, updated at C and D also, जिनका कोई लेना देना नहीं था A और B के साथ. Further, अगर B और D के बीच में transaction होता है, अब इसमें participating notes कौनसी हैं? B और D. और A और C इसमें नहीं हैं. A और C का इसमें कोई transaction नहीं है. But जैसे ही ये ledger update होगा, तो A और C का भी हो जाएगा. लेजर so, जो है वो हर जगह अपडेट हो रहा है इर रिस्पेक्टिव वेदर एनीबडी इज टेकिंग पार्ट इन दैट ट्रांजेक्शन और नॉट ट्रांजेक्शन अगर दो बंदों के बीच में अक्रॉस द कंट्री हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है तो दिस ट्रांजेक्शन विल बी पॉपुलेटेड एट ईच नोड एंड फर्दर टू दिस जस्ट नॉट दिस अगर ए डी uh, को ट्रांसफर करेगा टेन थाउजेंड रुपीज़ जबकि उसके अकाउंट में भी आठ सौ रुपए रह गए हैं केस ही ट्राइज ट्रांसफरिंग दैट एल्गोरिथम, जो ब्लॉक चेन है तो कंसेंसस एल्गोरिथम दैट विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन बिकॉज इट्स नोज कि मैथमेटिकली उसमें अमाउंट है ही नहीं सो दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट हैपन अटैम्प्ट होगा लेकिन वो इंडेक्स नहीं होगा वो पॉपुलेट नहीं होगा इमेजिन ये जो चार लोग हैं इसकी जगह वी हैव हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो साढ़े तीन चार लाख ट्रांजेक्शन्स डेली हो रहे हैं नाउ कम टू दैट तो वो साढ़े तीन चार लाख लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उन सब के ट्रांजेक्शन्स एक जगह पॉपुलेट हो रहे हैं सो so ये जो ट्रांजेक्शन्स ए ने बी को किया बी ने डी को किया सी ने बी को किया दीज आर मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड दिस इज वॉट इज़ नोन एज पब्लिक लेजर सो ये एक रिपीट स्लाइड है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज अ डेटा बेस दैट इज कंसेंशुअली शेयर्ड कंसेंशुअली शेयर्ड मतलब देर इज अ कंसेंस बिटवीन द नोट बैक्ट इनेबल्ड बायगोरथम सिंक्रोनाइज सबका डेटा जो लेजर है जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसका जो पॉपुलेशन है इट इज सिंक्रोनाइज वो जैसे ही एक जगह होगा वह दूसरी जगह अपडेट हो जाएगा मल्टीपल साइट्स उनकी ज्योग्राफिक लोकेशन अलग अलग जगह हैं एंड दे आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड दे आर डिफरेंट पीपल सो सोनाओ वॉट इज द बिटकॉइन कनेक्ट कनेक्टेयर कि ये इसका बिटकॉइन से क्या लेना देना नाओ ये जो चार बंदे मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए कंसिडर किए थे नाओ लेट देम बी मोर पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ये सारे के सारे अलग अलग पीपल हो गए अब इमेजिन कीजिए कि इसके भी इन सब के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ए बी बी ये सारी ट्रांजेक्शन्स इन सब लोगों के बीच में हो रही हैं नाओ ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ईच पर्सन इज़ ऑल्सो होल्डिंग दी पब्लिक लेज़र जो उसी समय रियल टाइम में एवरी टेन मिनट्स जो ब्लॉक्स नए बन रहे हैं सारे हर नोड पे पॉपुलेट हो रहे हैं सो फ्रॉम अ हैकिंग परस्पेक्टिव अगर एक बोलते हैं कि ब्लॉक चेन सिक्योर है इसका मतलब क्या है वो, वो ब्लॉक चेन कैसे सिक्योर है अल्टीमेटली तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम है ये yes. ऐसा नहीं है कि इसमें हैकिंग नहीं हो सकती अगर नोड जे सपोज करो नोड जे का पीसी है वो बहुत वल्नरेबल है उसका सिस्टम हैक हो गया उसको कोई मतलब नहीं मेरा पासवर्ड क्या है या उसने कोई पासवर्ड रखा भी था तो हैकर वो स्मार्ट इनफ कि वो उसके पीसी में घुस गया उसने लेजर चेंज कर दिया लेकिन वो जो लेजर चेंज हुआ वो एक ही का हुआ अफेक्ट जो हुआ वो एक ही का हुआ जे का हुआ ये सारे के सारे दे विल नॉट एग्री कि यार ये वाला बेकार है इसको ये जो कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है विच आर नॉट इन कंसेंसस तो दिस इज़ ऑल व्हाट ब्लॉक चेन इज वर्किंग अबाउट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लाइजर है नाव हैशीज एंड मर्कल ट्रीज आई स्टेट अवे एक्चुअली गो टू दी पार्ट ब्लॉक चेन लर्निंग ये कुछ मर्कल ट्रीज का था ओके okay, नाओ अब लास्ट अबाउट आई एल बी ओवर शूटिंग अबाउट फाइव टेन मिनट्स आई वॉन्ट टू लर्न ब्लॉक चेन अब क्वेश्चन है कि आपको चीज इंटरेस्टिंग लगी है कि यार ये टेक्नोलॉजी तो इंटरेस्टिंग लग रही है एंड इसको मैं पढ़ूँ कहाँ से द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग फॉर बुक्स दे विल यूल बाउंड टू गेट कन्फ्यूज एंड वो जो कन्फ्यूजन है प्लीज़ डोंट गेट बॉक डाउन उसकी वजह से ये मोरल डाउन नहीं हो जाना चाहिए यार वो कुछ कह रहा है ये कुछ कह रहा है दैट इज़ दी ऑनसेट वो पहला स्टेप है पहले स्टेप में अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा तो दैट इज़ द राइट स्टेप आप पढ़ोगे तो समझोगे और कन्फ्यूज होगे तो वो जब कन्फ्यूजन क्लियर होगा तो और आप और आगे बढ़ोगे तो मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं कुछ बुक्स रेफ़र किए हैं यहाँ पे। दीज आर माई सेट ऑफ बुक्स जो मैंने फॉलो uh, किया है थोड़ा बहुत समझने के लिए तो सबसे पहले इनकेस यू आर इंटरेस्टेड टू नो द टेक्निकल न्यू ये पेपर विच इज़ अवेलेबल यू मस्ट रीड दिस दिस इज़ जस्ट नाइन पेजेस नाइन पेजेस में आई कैन रेस्ट अश्योर कि शुरू के जो तीन पेजेज होंगे या ढाई पेजेज होंगे वो आपको समझ आ जाएंगे कि हाँ वो ठीक ठाक अंग्रेजी बोल रहा है एंड यू आर एबल टू अप्रिशिएट इंटरप्रेट इन योर सिंपल मैनर बट थर्ड पेज फोर्थ पेज फिफ्थ पेज एंड नाइन्थ पेज जाते जाते यू विल हैव टू अप्लाई ऑवर कंप्लीट एमेलगेमेशन एंड इतना कुछ उसमें वर्ड्स होंगे उसमें टर्मिनोलॉजीज होंगी दैट यू हैव टू गो थ्रू दीज डेलिबरेटली सो डोंट हरी अप इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैं ये पेपर आज ही पढ़ लूंगा और कल समझ लूँगा और परसों मैं इसका प्रेजेंटेशन दे दूंगा देर इज नो देर शुड बी नो हरी हर चीज़ आराम से आती है आराम से सीखिए आराम से पढ़िए सब आ जाएगा सो द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट द एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल विलिंगनेस टू लर्न इज अ चॉइस एंड कंसिस्टेंसी इज द की रेगुलर कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन रखेंगे पढ़ने में इसको समझने में यू वेदर इट एंड यूट्यूब इज़ वन सी ऑफ इंफॉर्मेशन डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जब आप इसकी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ समझ आती रहेगी डिजिटल कीज एनक्रिप्शन कीज़ ईसी एल्गोरथम्स मर्कल ट्रीज एट्सक्ट्राइ ये ऐसा नहीं है सो दीज आर फ्यू स्टेप्स गेट्स हैवे विद लिनिक्स लिनिक्स विल भी वन क्रिटिकल पार्ट एंड दिस विल वेरी हैंडी ऑपरेटिंग सिस्टम्स विंडोज की जगह यू स्टार्ट यूजिंग लिनक्स इसमें सो दैट यू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन वर्किंग बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट पी टू पी वॉट इज पी टू पी जो डिस हम बात कर रहे थे कि पीयर टू पीयर वो नेटवर्क कुछ होता है वो क्या होता है हाउ डज़ इट वर्क बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स गेट्स हैवी विद स्क्रिप्टिंग बेसिक स्क्रिप्टिंग क्या होती है कोई मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको महान प्रोग्रामर बनना पड़ेगा इसके लिए बेसिक स्क्रिप्टिंग अगर आपको आती है यू विल बी एबल टू स्टार्ट विद एंड ग्रो फर्दर क्रिप्टोग्राफी बेसिक कमांड्स क्रिप्टोग्राफी क्या है व्हाट इज़ पब्लिक की व्हाट इज़ प्राइवेट की व्हाट इज इनक्रिप्शन व्हाट इज डिक्रिप्शन क्रिप्शन उसमें अलगोरथम्स कौन कौन से हैं देन व्हाट आर दी के आई इन्फ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा वॉट आर एल्गोरिथम टाइप्स ए क्या है एस क्या है वॉट आर दी वराइटीज ई सी क्या है वगैरह सो ऑल दीज यूज़ ऑफ वर्चुअल मशीन थ्योरी एक जगह है समझना एक जगह है बट हैंड्स ऑन जब आप करते हैं तो उसके लिए आपको वर्चुअल मशीन्स की जरूरत पड़ती है सो दीज वर्चुअल मशीन्स विल बी वेरी हैंडी टू यू इन योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि बेसिक्स ऑफ फाइनाइट मैथमेटिक्स तो अगर आप कभी ज़ीरो पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट टू अगर आप कंप्यूटर पर करेंगे तो उसका आंसर जीरो पॉइंट थ्री नहीं आएगा उसका आंसर कुछ और आएगा तो इसीलिए जो बिटकॉइन या ब्लॉक चेन मैथेमेटिक्स होता है उसमें फ़ाइनाइट मैथेमेटिक्स लगता है यू हैव टू नो वॉट ऑल दिस बाइनरी ऑक्टा हैक्स एम एल डेसीमल सिस्टम्स ये पूरा आपको आइडिया होना चाहिए कि ऑक्टा क्या होता है हेक्सा क्या होता है बाइनरी क्या होता है वो जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा था थोड़ा सा एक चैप्टर था जिसमें ऑक्टा टू डेसिमल डेसीमल टू बाइनरी वगैरह कन्वर्ट करते थे सो दैट इज वॉट इज अप्लाइड हेयर इन पर्सन ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है इस समय एफ नाइन बी ई फोर ये दिस इज वॉट हाउ अ डेटा इज स्टोर्ड इन साइड अ ब्लॉक चेन हाउ डेटा बेसिक पाइथन योर मशीन शुड बी गुड अगर आप आज की डेट में हम सब आई फाइव लेके बैठे हुए हैं या उसमें रैम लगा रखी है एट जी मैंने उसमें ग्राफिक्स कार्ड भी लगा रखा है लेकिन आप मोस्टली उसमें क्या करते हैं जनता उसमें वो गेम्स खेलेंगे या फिर उसमें यूट्यूब एच डी डेफिनेशन में मूवीज देख लेंगे बट फ्रॉम ए इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव अगर आप उसको उसकी जान लेना चाहते हैं हार्डवेयर की वो इतनी स्ट्रांग मशीन है यू हैव टू यूज दैट विद लिनक्स मशीन्स एंड यू कैन यूज ऑल दैट ब्लॉक चेन उसमें टेस्टिंग के लिए कीप रीडिंग गुड जर्नल्स पेपर्स YouTube is one sea of information जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा Difficulty part ये है कि आप exactly देखेंगे क्या उसमें तो ये मैं presentation के end में आपको कुछ दिखाऊंगा ये कुछ tools हैं which you can start with blockchain, चेन गनाशे सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं एंड द गुड पार्ट इज दैट everything इज ओपन सोर्स एवरी थिंग मैं अगर किसी भी टूल की बात करूं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो बहुत थोड़े से टूल्स हैं लेकिन इसके अलावा 10 15 20 टूल्स और हैं जो सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं दे गिव यू कंप्लीट हैंड्स ऑन वे एक अटैम्प्ट देते हैं आपको कि आप उसको पूरा का पूरा खेल सकते हैं पूरा डिप्लॉय कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं कि काम कैसे हो रहा है डाटा स्टोर कैसे हो रहा है उसमें मल्टी चेन इज़ वन ऑफ़ द ईजिएस्ट प्लेटफॉर्म्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ मैं इसमें खुद वीडियोज भी बनाता हूँ ये कुछ बुक्स हैं अब मैं आ, मे, ये मेरी पर्सनल बुक्स हैं जो मैंने टेबल पे एक फ़ोटोग्राफ ली थी तो ये सारी बुक्स के बारे में मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ ये सारी बुक्स ऐसा नहीं है कि ये सारी बुक्स आपको आज ही अमेजोन पे ऑर्डर कर देनी है इट इज़ ऑल स्लो देयर हैज़ टू बी डेलीबरेशन वैल्यू स्टडी ऐसा नहीं है कि सारी बुक्स खरीद ली मंगा ली और ये बीस हज़ार की किताब रख ली बट उसको पढ़ना तो पड़ेगा तो आप एक एक स्टेप करके इसमें देर इज़ नो सीक्वेंस कि पहले ये बुक मंगाइए वो बुक मंगाइए हर चीज़ यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ सो मास्टरिंग बिटकॉइन मास्टरिंग इथीरियम ये मास्टरिंग ब्लॉकचेन का अभी ये वन एंड टू वर्जन था ये देन आई हैव अभी रिसेंटली इमरान बशीर का थर्ड वर्जन भी आ गया है विच इज़ अगेन मोर एग्जॉस्टिव देन एवरी डे क्रिप्टोग्राफी इसमें क्रिप्टोग्राफी में आपको मैकेनिक्स में घुस के पूरी की पूरी जान नहीं निकालनी है उसकी यू हैव टू बी जस्ट डेलिबरेट की बेसिक काम कैसे होता है वॉट इज इनक्रिप्शन सिंपल फाइल इनक्रिप्शन देख सीखना डिक्रिप्ट करना अलग अलग एल्गर्थम्स लगाना उसमें सॉल्ट डालना दीज आर फ्यू गुड बुक्स दैट आई ऑलवेज रिकमेंड ग्रोकिंग बिटकॉइन एंड ये जो ऑथर्स हैं इसमें कैले रॉसन बॉम एट्सट्रा या ये जो डॉन टेप्सकॉट दीज आर ऑथर्स इंटरनेशनल ऑथर्स रिनाउंड ऑथर्स जहाँ पे यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दैम यू कैन अप्रिशिएट दैम यू कैन टेल दैम कि सर आपका ये वाला बहुत अच्छा था एंड दे रिस्पॉन्ड यू द बेस्ट पार्ट इज दे रिस्पॉन्ड यू कि ओके okay, अगर आपने उसमें कोई गलती निकाल दी कि सर आपने ये लाइन uh, गलत थी इक्वेशन 14 की जगह 15 करते हैं छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं तो दे बिकम दे अप्रिशिएट फॉर योर uh, um, जो भी आपने उसमें कोई कमी निकाली एंड दीज आर ऑल बुक दिस इज़ वन एब्सोल्यूटली अगर आप पाइथन में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं तो ये जो बुक है दिस इज विजय मुखी दथर इज़ नो मोर सैडली बट दिस इज वन वेरी गुड बुक कंप्लीटली प्रोग्राम बेस्ड अगर पाइथन में इंटरेस्ट है तो दिस हैज़ गॉट रेडीमेड प्रोग्राम्स पाइथन प्रोग्राम्स जिसमें आप कर सकते हैं तो फर्स्ट स्टेप अगर पाइथन स्टार्ट ही नहीं किया आपने तो देन फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स एंड ये कुछ लिंक्स हैं ओके दिस इज वन मैं आपको दिखाता हूँ दिस इज ब्लॉक चेन नट्स बोल्ट वाइल यू गो टू दिस यूट्यूब चैनल यू सिंपली टाइप ब्लॉक चेन नट्स बोल्ट सो ब्लॉक चैन नट्स बोल दिस इज़ वन चैनल दैट आई हैव स्टार्टड ये जो मैंने अभी प्रजेंटेशन आपको दिया है एक घंटे में सो so, इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वीडियोज़ की जो टेक्नोलॉजीज की मैं बात कर रहा हूँ ये मैं अभी पिछले दो तीन महीने से पॉपुलेट कर रहा हूँ एंड दीज आर जस्ट अबाउट एज ऑन डेट अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वीडियोज बट पूरी की पूरी इसमें डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टोग्राफी ई सी सी क्या है माइनिंग क्या है टारगेट क्या है दिस इज जस्ट वन मे बी ये रेफरेंस आई एम सेंग ऐसा नहीं है कि दिस इज द होल सोल थिंग बट दिस इज़ वन गुड रेफरेंस दैट यू कैन स्टार्ट विद ऑन सेट योर जर्नी बिकॉज मैंने जीरो से स्टार्ट की थी तो अभी मैं अगर वन या टू पर आ गया हूँ सो जो आई ऑलवेज कीप शेयरिंग तो नीरज सर मेरे को हमेशा जब भी हमारी बात होती है तो ही ऑल्सो इज वेरी प्रो ओपन सोर्स एंड आई एम ऑल्सो वेरी प्रो ओपन सोर्स तो हर चीज़ ओपन सोर्स है ऐसी कोई छुपाने की चीज़ नहीं है अगर मेरे को कुछ आता है तो मैं आपको बताता हूँ और सर को अगर कुछ आता है तो वो ऑफकोर्स वो, वो मेरे को बताते हैं तो दिस इज़ वे सो इन दी वन आवर सो दिस इज़ हाउ आई लाइक टू एंड हेयर सर नीरज सर सो आई लाइक टू फिनिश हेयर सो कोई क्वेश्चन हों सर हूँ तो आई हैव ट्राइड टू कीप इट सिंपल सर बट फिर भी uh, इसमें मैंने अभी कुछ भी टेक्निकलिटीज़ डाली नहीं है कोई भी मैंने लाइव डेमोस्ट्रेशन नहीं दिया बिकॉज टाइम कम था बट फिर भी एन ओवर व्यू आई एम श्योर थोड़ा सा कुछ आइडिया मिला होगा तो so, एनी uh, मेरा आई भी मैं आपको मैंशन कर देता हूँ इनकेस यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू आर मोस्ट वेलकम सर सर इन ओके आई एम रीडिंग इट सर इन क्रिप्टो माइनिंग यू टोल्ड टोल्डर दैट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस व्हाट आर दीज इक्वेशंस ओके देर आर नो इक्वेशंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्क्रीन अभी भी आपको दिख रहा है ना दिस दिख रहा है ना सर मेरा स्क्रीन हाँ हाँ सर ओके ये एक डेमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है ये मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है अब जो हम ब्लॉक्स की बात कर रहे थे ब्लॉक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री ये सारे सपोज करो ये सारे ब्लॉक्स हैं अब मैंने इसमें कुछ डेटा डाला जो माइनिंग की बात कर रहे हैं या वो उसमें इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें इक्वेशन वो सॉल्व क्या कर रहा है वो पूरी जो माइनिंग पूरी दुनिया लगी पड़ी है वो सॉल्व क्या कर रहे हैं तो अभी ये पूरे बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं ये आपको दिख रहा होगा ये ब्लॉक वन है और यहाँ पे मैंने अभी डेटा कुछ डाला नहीं है तो मैं सपोज करो यहाँ पे डेटा डालता हूँ जी सी ई -E टी जम्मू अब जी सी ई -E टी जम्मू जो मैंने इसमें डेटा डाला है इसका जो हैश है हैश दैट वी स्पोक एस एच टू फाइव सिक्स वो उसका हैश ये है सिक्स थ्री वन बी सी फाइव नाइन ये जो भी इसका रैंडम हैश निकल के आ गया तो मैं आ, फिर से आपको करता हूँ <coughs> यह अभी ग्रीन ब्लॉक है इसमें डेटा कुछ भी नहीं है इसका हैश आपको दिख रहा होगा डबल जीरो डबल जीरो वन फाइव सेवन तो फोर जीरोज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं अब मैंने कुछ नया डेटा डाला जैसे ही मैं नया डेटा डालूंगा ब्लॉक रेड हो जाएगा और इसका जो हैश है आप देखेंगे चेंज हो गया अब जो हैश है अगर पिछला हैश आप देखें तो उसमें चार जीरो से चार जीरो से अब मेरे को हैश जो है ऐसा करना है कि मेरा जो हैश आउटपुट हो उसमें चार जीरोस हमेशा आए चार हमेशा आए वो कैसे होगा जब मैं जी सी ई टी जम्मू में कोई नॉन्स डालूंगा एक नंबर डालूंगा वो नंबर मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका सही वर्ड जो है वो कैलकुलेट नहीं है वो गैस करना पड़ेगा एंड गैसिंग के लिए मेरे को प्रोसेसिंग uh, पावर चाहिए कि मैं उसको कितनी जल्दी करूंगा अब मैं यहाँ पे माइंड करूंगा अब आप जब मैं इसको माइंड करूंगा तो आप देखिएगा कि जो वन वन थ्री वन सिक्स है ये जो अभी आपको दिख रहा है नंबर ये चेंज हो जाएगा ये चेंज होगा एंड ये जो हैश है सिक्स थ्री वन बी ये भी चेंज हो जाएगा ये जो हैश है ये डबल जीरो डबल जीरो इसमें आपको कुछ दिख कुछ जीरोस दिख गए होंगे तो नॉन्स चेंज हो गया टेक्स्ट मेरा सेम रहा तो मेरे को एक ऐसा ब्लॉक चाहिए जिसमें कि जो हैश है जो निकले तो उसमें इट शुड बी प्रिफिक्सड बाय सर्टेन नंबर ऑफ जीरोस फॉर डेमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ ये आपको जो स्क्रीन दिख रहा है इसमें चार या पांच जीरोज दिख रहे हैं नाउ सपोज वी गो टू ए लाइव एक और मैं आपको एक लाइव ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर एक्सप्लोर पर ले जाता हूँ तो मैं अभी ये ब्लॉक्स आप देखेंगे ये सारे ब्लॉक्स हैं सेवन अब मैं ये बारह मिनट पहले माइन हुआ है अब मैं इसको क्लिक करूँगा माइन इसको क्लिक करूंगा अब आप देखिए जो हैश इस ब्लॉक का है ये लाइव है देर इज नथिंग कि मैंने कुछ प्रोग्राम बना रखा है ये लाइव ब्लॉकचेन है ब्लॉक डॉट कॉम आप पे आप जाएंगे आप ब्लॉक देखेंगे हैश देखेंगे तो ये जो जीरो 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 आपको इतने सारे दिख रहे हैं आज की डेट में सत अठारह या उन्नीस जीरोज चाहिए होते हैं तो ये जीरोस निकालने के लिए एक नॉन्स चाहिए होता है जो हमने वहाँ पर निकाला तो हमारा वहाँ पर नॉन्स ये थ्री डबल टू फोर नाइन है और रियल टाइम केस में अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर नॉन्स आपको दिख रहा है ये फोर ज़ीरो सिक्स जो इक्वेशन है इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो मैथिकट मैथमेटिकल प्रॉब्लम ये है कि वो जो हैश है ब्लॉक का इट शुड बी प्रिफिक्सड बाय सो मैनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और ये जो ज़ीरोज़ हैं ये नॉन्स मेरे को कैलकुलेट करना पड़ता है उसको गैस करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं माइनिंग सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट ट्राई डिगिंग इन टू अ ब्लॉक अब ये जो आपको इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर दिख रही है दिस इज ऑल ब्लॉक इन्फॉर्मेशन कितने कन्फर्मेशन हो गए इसका टाइम स्टैम्प क्या है माइनर कौन था ये किसने माइन किया है यह वाईआरबीटीसी करके एक कंपनी है उसने माइन किया है एंड सो आई होप मैंने आपको बताया थो, थोड़ा समझ आ गया होगा वॉट आर वी डूइंग सो वी आर डूइंग सिंपली चर्निंग आउट नंबर जो कि हम उस डेटा में डालने से उसका जो हैश है इट इज प्रिफिक्सड बाय 18 और 19 जीरोज तो दैट इज ऑट